Hi friends, welcome back to my channel. So आज है सेकेंड डे सिलीगुड़ी का और कल रात को हम पहुँचे थे अराउंड 8 o'clock. सो आज निकल गए हम जिस काम के लिए आए थे सिलीगुड़ी मेन, उस काम के लिए निकल गए. उसके बाद कहाँ जाएंगे वो फिर देखते हैं. सो अब हम आए हैं सिटी सेंटर. यहाँ पे जो सिटी सेंटर है वहाँ पे सो कोई काम तो है नहीं, मतलब कुछ ख़रीदना तो नहीं था, बट ऐसे ही घूमने के लिए आ गए और भूख भी बहुत तेज़ लगी है. सो पहले एक पेट पूजा करते हैं, उसके बाद थोड़ा घूमते हैं. पिज़्ज़ा खा के तो हम निकल गए, बट यहाँ बहुत गर्मी है सो सोचा कुल्फ़ी खा लें. तो भैया चेक कर रहे हैं कि कुल्फ़ी है या नहीं है. मीनवाइल ये बस को देखिए आप, इतने मतलब बच्चे इतने खुश होते हैं ना यहाँ के, बहुत वैरायटी के चीज़ें हैं खेलने के लिए. सो नहीं मिली कुल्फ़ी तो नहीं मिली, उसके पास है नहीं. और सो हम निकल गए अभी बाकी घूमने के लिए. सो ये छोटू सा ट्रेन भी है यहाँ पे बच्चों के लिए. तो हमने सोचा हमारा बेटा भी घूम लेगा, भैया के बेटे को भी घुमा देंगे वहाँ पे. बट उसका अलग ही है, उसको पर लेके गए वहाँ पे बैठो बोल के, तो उसको ड्राइवर सीट में बैठना है ड्राइवर के साथ, ड्राइविंग करना है उसको. सो वो पॉसिबल नहीं था और उसको पीछे बैठना है नहीं. सो वो बैठा ही नहीं, वो बस दूर से ही देख के खुश हो गया. उसको ड्राइवर सीट में तो नहीं रख सकते, सो इसीलिए. उसके बाद ट्रेन तो चली गई, वहाँ पे कुछ हॉर्सेस थे, वो हॉर्सेस में बैठो बोला, वो भी उसको नहीं बैठना है. वो दूर दूर से देख के खुश हो जाता है, उसको सिर्फ देखना अच्छा लगता है, बैठने को डरता है एक्चुअली. सो कल रात को सिटी सेंटर जाके थोड़ा बहुत घूमकर हम रिटर्न हो गए, क्योंकि आज सुबह हमें मतलब नेक्स्ट डे सुबह को हमें निकलना था दार्जिलिंग के लिए. सो ये ऑन द वे है, दार्जिलिंग का हम ऑन द वे थे.
तो रुके थे हम, व्यू व्यू इतना सुंदर था ना, तो वहाँ पे रुक के हम व्यू देख रहे थे और इतना सुंदर है देखिए ना, मतलब जहाँ भी देखो पहाड़, इतने दूर दूर तक इतने सुंदर सुंदर पहाड़ है और इतनी छोटी छोटी सी गली है, रास्ते हैं, यू नो, तो बहुत सुंदर व्यू था। सो ऑन द वे टू दार्जिलिंग हम रुके हैं, ये मिरिक पुल की जो एक जगह है वहाँ पे एक लेक है, तो हम वहाँ रुक गए थे। सो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ पे भी लेक साइड लेक है, हॉर्स राइडिंग वगैरह है। सो हमने सोचा हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाते हैं, यहाँ का भी यू नो व्यू देख लेते हैं। और यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स भी रखे हुए हैं, आप यहाँ के लोकल जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं जो यू नो दार्जिलिंग सिक्किम साइड के, तो वो आप पहन के फ़ोटोशूट करा सकते हो। सो हमने तो नहीं कराया बिकॉज इट्स नॉट सेफ राइट नाउ, कोरोना के वक्त में यू नो वो कितने लोग यूज़ करते हैं, तो उसके बाद उसको लगाना फिर सेफ नहीं लगा, तो हम में से किसी ने किया नहीं वो। तो यहाँ पे हम आए हैं, अभी देखते हैं क्या क्या करते हैं। हॉर्स राइडिंग तो पक्का नहीं करूँगी मैं। ऑन द वे टू दार्जिलिंग हम आए हैं मिरिक। मिरिक में ये बहुत सुंदर सा लेक है, और वैसे बोटिंग तो नहीं हो रही है, कोविड के वजह से बंद कर दिए बोटिंग, बट हॉर्स राइडिंग है, पर मुझे नहीं बैठना, छोटे में बैठी थी। उसके बाद अभी वो एक्सपीरियंस काफ़ी था एक बार का, सो अभी और नहीं बैठना है। आप देख सकते हो गाल वाल सब स्वेल हो गए, एक्चुअली गर्म, हम लोग को गर्म जगह इतना, मतलब हम ठंड जगह से है ना, सो गर्म जगह में फूल जाता है बदन बहुत, हाथ पैर सब फूल गए। अब दार्जिलिंग जा रहे हैं, वहाँ का वेदर तो ऑलमोस्ट शिलोंग की तरह ही होता है, सो अभी ही ठंड लग रही है अभी यहाँ पे, मतलब वेदर बहुत अच्छा हो गया, प्लेजेंट सा हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश भी हो सकती है, शायद पूरी तरह से यू नो बादल काले हो गए। सो या रीना रीन है, रीन भी होगी अभी, तो अभी निकलेंगे हम यहाँ से दार्जिलिंग की तरफ। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, पहाड़ पहाड़, लिटरली वो सॉन्ग याद आ जाता है, वो परिणीता फिल्म का। सो आपको हॉर्स दिखाते हैं, लोग काफ़ी सारे राइड कर रहे हैं, देखते हैं। इतने लंबे लंबे हॉर्स हैं यहाँ पे, बच्चे ही राइड कर रहे हैं एक्चुअली, बड़े तो मैंने किसी को देखा नहीं राइड करते हुए, बच्चे ही कर रहे हैं। तो हमने सोचा भैया के बेटे को भी कराएंगे, बट वो माना ही नहीं, डर गया वो देख के ही, दो तीन बार पूछा उसको बट उसने बोला नहीं करना है। किसी ने भी नहीं किया राइडिंग हम में से, थोड़ा बहुत यहाँ पे व्यू का मज़ा लेके देख कर उसके बाद निकल जाएंगे। मतलब बेबी तो बहुत इन्जॉय कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे सिलीगुड़ी में बहुत ओपन ओपन स्पेस मिल गया ना। अपने घर पे क्या होता है कि घर के अंदर ही रहना है, कहीं आना जाना नहीं है इतना, स्पेशली आफ्टर कोविड, मतलब ड्यूरिंग कोविड और आफ्टर कोविड अभी। सो ये नानी मेरी, वो भी इंजॉय कर रही है। सो ये है एक टी गार्डन, इसका नाम भैया ने मुझे कुछ तो बोला था बट मैं भूल गई, याद ही नहीं आ रहा है, मैं ढूंढ के पूछ कर फिर यहाँ पे लिख दूँगी नीचे कौन क्या नाम है इस जगह का, मैं भूल गई अभी। तो ये सुंदर था, बहुत सुंदर था, बट ज़्यादा अंदर जाने नहीं दे रहे थे, आई डोंट नो ये एक्चुअल में ही इतने ही जाता है अंदर या कोविड के वजह से सिर्फ इतना तक ही रिस्ट्रिक्शन है, पता नहीं।
हम सबको ये होगा, मतलब भाई हम सबको लगा था कि अंदर तक जाने देंगे, बट जब एंटर किया तो एंटर करते ही ख़त्म। लेकिन जगह बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है एक्चुअली फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए। ये है नेपाल बॉर्डर, जो कि ऑन द वे है और सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के रास्ते पे गिरता है, रास्ते पे। तो एक तरह से हम नेपाल में भी एंटर होके आ गए, एक पैर नेपाल में, एक तरफ एक पैर इंडिया में। और ये है मार्केट छोटा सा, यहाँ पे इंडियन करेंसी भी चलती है, नेपाली करेंसी भी चलती है। अभी हम पहुँच गए दार्जिलिंग। यहाँ पे ना मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं पता था वो छोटे छोटे से ट्रेन भी चलते हैं यहाँ पे, नो लाइक मेट्रोज होते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। यहाँ पे छोटे छोटे से ट्रेन हैं जो लोकली आदमी लोग यहाँ 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 वहाँ ट्रैवल करते हैं शायद। ये है बाज़ार। पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे 5 आई थिंक। होटल में चेक इन करके और लंच करके हम फिर निकले हैं मार्केट में, थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं बोल के, क्योंकि हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए, हम सिर्फ एक ही दिन के लिए आए। सो ये अगली मॉर्निंग, और अब यहाँ से आप हिमालय देख सकते हैं। इतना सुंदर व्यू था हमारे होटल की बालकनी से, मतलब बहुत सुंदर व्यू था, मतलब दिल बहुत खुश हो गया वो व्यू देख के, पूरी तरह से क्लाउड्स जो ये देख सकते हो आप। तो अब आज है सेकेंड डे दार्जिलिंग में, और अभी बज रहे सुबह के 9:30, और हम जा रहे हैं यहाँ पे, पार्क है, एक जूलॉजिकल पार्क है, तो हम उसमें जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं हुआ है, जिस होटल से चेकआउट किया, और अभी पार्क जा रहे हैं, क्योंकि फिर यहाँ से होटल जाते लेट हो जाता, और चेकआउट टाइम है 12 बजे तक, तो इसीलिए पहले चेकआउट कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने खाने पीने का जगह है या नहीं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर घूमते हैं। ब्रेकफास्ट करके हम आ गए ऊपर, और यहाँ से है, और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है और ज़ू है। एक्चुअली हम दार्जिलिंग आए थे टाइगर हिल जाने के लिए, बट वेदर बहुत ख़राब था, सुबह में बारिश आ रही थी, और बारिश में सनराइज़ तो दिखेगी नहीं, इस वजह से हमें वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। एक्चुअली वो मेरे ख्याल में बेस्ट है जब विंटर्स होते हैं, विंटर्स में आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू गो देयर, बट कोई नहीं, आए थे तो थोड़ा बहुत घूम लेंगे बोल के हम फिर यहाँ वहाँ आ गए। तो पहले हम गए वो टी गार्डन, और उसके बाद हम यहाँ पे आए। देखते हैं यहाँ पे भी अंदर कैसा है कैसा नहीं। टाइम भी शॉर्ट है एक्चुअली हमारे पास, हम आज ही के लिए हैं यहाँ पे, फिर सिलीगुड़ी में काम जो है वो करके फिर शिलोंग के लिए निकलना है। 1 वीक का टाइम लेके आए थे, और मेन आए थे सिलीगुड़ी, ये तो हम जस्ट ऐसे ही आ गए थे। एटलीस्ट ये 2 दिन भी इंजॉय किया, वो भी काफ़ी है। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और जितने जितने प्लेसेस है जो देखना चाहिए, जो विज़िट करना चाहिए वहाँ पे, वो श्योरली करेंगे। ये है माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे माउंटेनियरिंग सिखाते हैं बेसिकली, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं अंदर, बट ड्यू टू कोविड वो बंद है, बस ये बाहर का ये जो दिख रहा है आपको वही खुला है। और ये जवाहरलाल नेहरू जी का स्टैचू है, फोटोज़ तो बनती है इतने दूर आके। पहले फ़ोटो खिंचा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ से आगे बढ़कर हम आए हैं ज़ू पे, और यहाँ ये ऊपर में है बियर, बट मुझे कहीं दिखा ही नहीं, सबको दिख गया पर मुझे नहीं दिखा, मुझे भी नहीं दिखा और मेरे कैमरे को भी नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ पे था वो, इतने दूर है पता नहीं, मेरा तो वैसे ही स्पेक्स लगा और विद स्पेक्स भी मुझे दिखता नहीं है अच्छे से। यहाँ पे है डियर, डियर तो बहुत कॉमन है यहाँ शिलोंग में भी, जो जू है उसमें भी डियर बहुत सारे हैं, डियर तो ऐसा लगता है बहुत अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डियर। एक्चुअली हमारे यहाँ पे तो एक ही टाइप का डियर है आई थिंक, अभी तो बहुत हो गया मैं भी नहीं गई। यहाँ पे भी डियर ही है, ओके नहीं ये डियर नहीं था, ये गोट था एक्चुअली, तो गोट है, नाम अलग है पर गोट ही है, मतलब उसी की ब्रीड का ही है।
ब्रीड बोलूँ या स्पीशीज बोलूँ उसके आगे, ये लाइन में जितने भी थे सब गोट डियर शीप यही थे और कुछ खास था नहीं। ये शीप था शायद, शीप था बट शीप जैसा था नहीं, वो ब्लू शीप नाम का कुछ है। सो मुझे इतना यहाँ का जू भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा अगर सही सही बोलूँ तो। बड़ा बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्चुअली। हमारा शिलोंग का जू तो बहुत छोटा है इसके सामने, बट एनिमल्स यहाँ पे बड़ा बड़े होने के बावजूद भी एनिमल्स नहीं है, वो एक कॉमन से एनिमल्स जो यू नो मतलब टाइगर है, वुल्फ, जैकल, बियर, लेपर्ड ये सभी है। और मतलब एनिमल्स में मतलब होता है ना जिराफ नहीं है या फिर बहुत सारे एनिमल्स हैं और जो नहीं है यहाँ पे। सो बस बड़ा ही है और कितने सारे केजेस तो ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। सो इतना अच्छा मुझे लगा नहीं, बट हाँ एक टाइम घूमने जाने के लिए इट्स गुड बिकॉज व्यू अच्छा है। सो व्यू की वजह से सो हम आ गए अभी ऊपर। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, माउंटेनियरिंग म्यूज़ियम है। तो ये है सर एडमंड हिलेरी का स्टैचू और ये है आई थिंक शेरपा टेंजिंग नॉर्गे का क्रिमेशन। सो या और अंदर में म्यूज़ियम थी तो म्यूज़ियम में तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं शूट नहीं कर पाई, पर अंदर में वही कुछ चीज़ें थी और जो माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग के वक्त काम आती है वो सब चीज़ें थी। और किसने पहले क्लाइंब किया था माउंटेन माउंटेन रेंज, उसकी उसने क्या क्या यूज़ किया था वो ड्यूरिंग दैट यू नो, वो सभी है। सो ये टाइगर बड़ा सा, ये लेपर्ड है शायद, ये जैगुआर जो कि एकदम कोने में घुस के बैठा हुआ था, ये वुल्फ। मुझे इनको देख के बहुत अच्छा लगता है वुल्फ को एक्चुअली, जैसे मैं डॉग लवर हूँ ना तो ये दिखने में डॉग के जैसे होते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन बहुत डरावने होते हैं। सो ये है रेप्टाइल हाउस। रेप्टाइल हाउस में तो रेप्टाइल आपको यहाँ पे फिश है और अंदर में कुछ स्नेक्स थे जो तीन ही थे शायद, हाँ तीन ही थे, तीन थे कि दो थे, यहाँ पे एक है जो इतना मतलब दिख ही नहीं रहा है, सैंड है ना तो वो पूरा सैंड में कवर होके बैठा हुआ था। दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको अगर दिखे तो। ये रहा, इसका नाम क्या था वो मैं भूल गई। और यहाँ पे है और एक पाइथन है, ये इंडियन रॉक पाइथन, इतना मोटा लंबा सा है। मुझे ना रेप्टाइल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, गूज़बम्स निकल जाते हैं मेरे ऑटोमेटिकली ये रेप्टाइल्स देखने से। बस दो स्नेक्स थे, उसके बाद यहाँ पे और आगे और केजेस थे तो उसमें एक ये है लंगूर जो देख ही नहीं रहे थे किसी को, एक एक को सराउंड करके चार लोग उसके ऊपर में सो रहे। ये केज भी शायद खाली है, आई थिंक थे एनिमल्स या तो पता नहीं क्या हुआ, मर गए या क्या हुआ समझ नहीं आया। ये लेपर्ड कैट है, बहुत सारे केजेस एम्प्टी है। यहाँ पे भी कुछ है, इसका नाम मुझे नहीं याद। तो ये है बतासी लूप, यहाँ से भी सारा माउंटेन्स दिखता था हिमालय का, बट वेदर सो अब हम हो रहे हैं रिटर्न सिलीगुड़ी के लिए। और वेदर इतनी ठंड है यहाँ पे, मैंने सोचा था शायद यहाँ का और शिलोंग का
क्लाइमेट एक जैसा होता है, तो शिलोंग में अभी इतनी तो ठंड नहीं है, बारिश आ रही है बट इतनी ठंड नहीं है जितनी यहाँ पे थी। सो ये है फॉल्स, फ्री का फॉल्स, यहाँ पे पैसे नहीं लगते, ऑन द वे है। यहाँ पे हम एक्चुअली लंच करने के लिए रुके थे, सो साइड में ही ये है। और व्यू तो क्या बोलूँ मैं। सो यह है लास्ट हमारा डेस्टिनेशन, उसके बाद डायरेक्ट सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में काम ख़त्म करने के बाद डायरेक्ट चलाओ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा हमारा ये छोटा सा टूर, और फ्यूचर में अगर हुआ तो फिर और यू नो ऐसे ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाऊंगी मैं, और इससे बेटर बनाऊंगी एक्चुअली। फर्स्ट था सो इतना परफेक्ट हुआ नहीं है, आई नो। सो नेक्स्ट टाइम आई होप इससे बेटर हो। एंड एक हफ्ते बाद ये वीडियो आ रहा है, सो आई होप आप सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।